सब्सक्राइब कीजिए जीएनएस इंग्लिश चैनल को और इस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरी वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएनएस इंग्लिश चैनल। आज मैं बट का जो मल्टीपर्पस मीनिंग है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। अभी तक आपने तो इतना ही जाना होगा कि बट एक कंजंक्शन है, कनेक्टर वर्ड है। बट के बहुत सारे मीनिंग है, कभी यह प्रपोजिशन भी है, नाउन भी है, कभी वर्ब भी है और एडवर्ब भी है। तो हम चलो बिगिनिंग करते हैं। तो हम देखेंगे पहले कि कंजंक्शन क्या होता है। बट एज यूज्ड एज ए कंजंक्शन, तो कंजंक्शन कन प्लस जंक्शन आई ज्वाइन टुगेदर, इसका मीनिंग होता है ज्वाइनिंग वर्ड है, जो टू सेंटेंसेज और वर्ड्स को जोड़ता है। तो आप इतना ही जानते हैं कि बट का जो अर्थ लेकिन होता है, ठीक है। तो एज ए कनेक्टर में या कंट्रास्ट बतलाता है, कंट्रास्ट बतलाता है जो लेकिन परंतु किंतु के अर्थ में इसका मीनिंग कंट्रास्ट होता है। सी इज इल बट चीयरफुल, वह बीमार है लेकिन खुश मिजाज है। तो जो विपरीत गुण है, कंट्रास्ट है, उसको वह जो जोड़ता है। नेक्स्ट है, आई वॉन्टेड टू ईट समथिंग बट देर वॉज नो फूड इन द हाउस। यह जो कंडीशंस नॉट फेवरेबल, यह बतलाता है कि कंडीशन फेवरेबल था, मैं कुछ खाना चाहता था लेकिन घर में कुछ भी नहीं था। अब जो बट का गाइज, एक यह भी अर्थ होता है कि बदले में, इंस्टीड ऑफ, दे हैव नॉट वन बट थ्री हाउसेज, उसके पास केवल एक ही घर नहीं है बदले में तीन घर हैं। तो यहाँ इंस्टीड ऑफ होता है, बदले में होता है। और जो बट का और मतलब होता है बिकॉज ऑफ होता है, ओनली बिकॉज ऑफ। जैसे मैं बोलता हूँ बट फॉर हर आई वुड हैव नॉट पास्ड द एग्जाम, तो उसी के कारण मैंने एग्जाम पास की, या अगर वह नहीं होती तो मैं एग्जाम पास नहीं किया होता। तो ये आप देखते हैं कि अभी बट का यूज ओनली बिकॉज ऑफ भी होता है, तो यह मल्टीपर्पस मीनिंग देता है। गाइज, आप कान खोल कर सुन लो, इस तरह का जोरदार वीडियो मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरे यूट्यूब में कोई नहीं दिखाएगा। यह मेरा 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है। अब जो एडवांस यूज है वो एज ए प्रेपोजिशन में बताने जा रहा हूँ। बट प्रेपोजिशन होता है तो इसका मतलब अतिरिक्त होता है, एक्सेप्ट होता है। गाइज आप देखो, देयर इज नो वन हियर बट मी, मेरे अलावा यहाँ पर कोई और नहीं है, तो यहाँ बट प्रपोजिशन है। नेक्स्ट है, सी इट्स नथिंग बट चॉकलेट, वह चॉकलेट के अलावा कुछ नहीं खाती है, मतलब चॉकलेट ही खाती रहती है। तो याद रखो कि जब बट प्रपोजिशन के अर्थ में आप यूज करोगे तो उसके साथ नो वन, नथिंग, नॉट वन, सब जो वर्ड्स का यूज करना होगा। सी डज नथिंग बट रीड, या प्रेपोजिशनल यूज है, वह पढ़ाई के अलावा कुछ ही नहीं, कुछ भी नहीं करती है। सी डज नथिंग बट राइट, वह लिखने के अलावा कुछ भी नहीं करती है। तो ठीक है गाइज, अभी आपने देखा कि ये जो बट प्रेपोजिशन है, और आप देखना कि बट एडवर्ब है, एडवर्ब होता है जो वर्ब या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, कभी कभी नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर संपूर्ण पार्ट ऑफ स्पीच को यह क्वालिफाई करता है। तो बट जब एडवर्ब होता है तो इसका मतलब केवल ओनली होता है, केवल। वी कैन बट ट्राई, हम केवल कोशिश कर सकते हैं, हम मात्र कोशिश ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ही लेफ्ट बट एन आर एगो, उसने एक केवल एक घंटा पहले छोड़ा था। तो क्लियर है। अब देखो कि ओनली, डोंट एंग्री विथ हिम, ही इज बट ए चाइल्ड, उस पर गुस्सा मत करो, वह तो बच्चा है केवल, ठीक है। नेक्स्ट है, अब जो बट का मतलब ऑब्जेक्शन नहीं, एब्जेक्शन करेक्ट साउंड है। पहले भी मैंने प्रोनाउंसिएशन में आपको बतलाया था कि ऑब्जेक्शन नहीं, प्रोनाउंसिएशन एब्जेक्शन होगा। तो हम किसी का विरोध करते हैं, कंट्रास्ट का मतलब होता है कि अपोज करते हैं, तो इसका मतलब जो नाउन में जो ऑब्जेक्शन बट होता है, और जो वर्ब में अगर मगर करना, याद रखेंगे आप, तो बट मी नो वर्ड्स, मेरे साथ ऐसी तैसी मत करो, मेरे साथ अगर मगर मत करो, डोंट प्ले ट्रिक्स ऑन मी, डोंट प्ले डिली डेलिंग टैक्टिक्स विथ मी। तो इस तरह से आपने देखा कि ये बहुत ही काम की चीज है। गाइज, इफ यू आर जीनियस आई चैलेंज यू, इफ यू आर नॉट जीनियस डोंट वरी आई विल मेक यू जीनियस, इफ यू वॉन्ट टू
reach the topmost rung of the ladder of the English language, you have to watch my video constantly and continuously. Thank you guys for watching my video.